ये है जय कपिला मंदिर गाइस, ये देख सकते हैं ये स्पीकर है, यहाँ पे गाने चल रहे हैं इसमें। तो गाइस ये डिजाइन देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देख सकते हैं। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज का व्लॉग होने वाला बहुत खास, आज दिखाने वाला हूँ आपको जयपुर की एक फेमस जगह और आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जयपुर का बिरला मंदिर, जो कि प्रमुख मंदिरों में से एक है, बिल्कुल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। और इस मंदिर के बारे में बता दूँ, इसका निर्माण 1939 में हुआ था और इसका निर्माण करने वाले भारत के प्रमुख पुराने उद्योगपतियों में से श्री बिरला द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए चलते हैं अपन, देखते हैं कैसा है मंदिर। तो वो लोग कंटिन्यू बने रहे। तो गाइस अभी कर गए अपन बिरला मंदिर में अंदर एंट्री और अभी दिखाता हूँ अंदर से मंदिर कैसा है। और बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल दिखाता हूँ आपको पूरा वाइट नज़ारा है इसका, तो कैसा लग रहा है दिखने में। और अभी दिखाता हूँ चल के वहाँ पे, मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन है, ये इसका रास्ता है अंदर जाने का। तो वो लोग में कंटिन्यू बने रहे, दिखाता हूँ अभी आप। हाँ तो गाइस देख सकते हैं सामने दिख रहा है ये बिरला मंदिर, देखिए कैसे धूप में चमक रहा है। और अंदर चल के देखते हैं वहाँ पे पास चल के, और गाइस यहाँ पे निकाल लेते हैं जूते चप्पल। और गाइस अभी चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, चलिए वो लोग में कंटिन्यू बने रहे। अभी करते हैं इधर से एंट्री। हाँ तो गाइस अभी पहुँच गए अंदर, ये देखिए यहाँ पे पता रखें फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन मैं कुछ हो सकता है उतना आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर, बहुत ही खास लग रहा है। तो लोग कंटिन्यू बने रहे, अब करता हूँ अंदर एंट्री और दिखाता हूँ। हाँ तो गाइज ऐसा है, अंदर से देख पा रहे हैं आप, ये मूर्ति लगी हुई है भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी की, ये देख सकते गाइज इस तरह इधर से ऐसा है, ये देखिए बाहर की साइड से इधर मंदिर में से आ गई, क्योंकि वहाँ पे फोटो खींचना अलाउ नहीं है, दिखाने नहीं दे रहे वहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ में बसा हुआ है ये भी, ये देख सकते हैं बिल्कुल वाइट मार्बल से बना हुआ ये मंदिर। और गाइस ये देख सकते हैं ये स्पीकर है, यहाँ पे गाने चल रहे हैं, इसमें अंदर गाने चल रहे हैं, वो यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, तो ये स्पीकर लगा हुआ है। और गाइस ये देख सकते हैं इसमें डिज़ाइन की कितनी खतरनाक बनी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, ये फूल वगैरह बने हुए हैं, तो ये चक्कर सा ये देख सकते हैं, ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो मेरी तो आँखें नहीं खुल रही भाई इसमें, इतनी धूप ऊपर और नीचे से इतना चमकता है। तो उधर देखिए रोड पे, उधर अजमेर रोड है और इधर है हवाई अड्डा, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं वो देख सकते हैं। तो भाई यहाँ की निकल रही यहाँ पे, तो क्योंकि इतनी धूप और ऊपर से चमक रहा है। तो गाइस ये डिज़ाइन देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देख सकते हैं ये दीवारों पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है अलग अलग की पुराने ज़माने की, ये देख सकते हैं संत एथेनी देवदास, कई तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इन बीम पे खड़ी बीम पे। और यहाँ पे भीड़ देखिए अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये मंदिर मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा है, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही चैनल पे नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना बनता है आपका। इन नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं। Thank you.
इधर भी आ गए हैं वापस, और अभी चलते हैं अपन वापस क्योंकि अंदर फोटोग्राफी तो करनी नहीं रही। तो गाइस मंदिर में जाए तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वापस घर के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये दुकानें हैं कुछ, और यहाँ पे भी देख सकते हैं व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। आप सब लोग आज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।